नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सलमान खान को जमानत मिली तो भड़के आसाराम समर्थक। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हिट एंड रन मामले में फंसा के बाद मिली जमानत को लेकर ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। इसी बीच कुछ लोगों ने सलमान को मिली जमानत पर सवाल उठाते हुए नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम से जोड़कर कई पोस्ट किए। इसके बाद सलमान के साथ साथ हैशटैग बेल फॉर सलमान नॉट फॉर सेंट्स भी ट्रेंड करने लगा। विवेक बंसल ने फोटो पोस्ट कर कहा कि कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई फैसला नहीं, फिर भी 20 माह से आसाराम बापू को जमानत नहीं। इसी तरह वैदिक विजन नामक अकाउंट से भी आसाराम बापू के लिए इंसाफ की मांग की गई। अलपुझा में 4 महिला खिलाड़ियों ने की खुदकुशी की कोशिश, एक की मौत। भारतीय खेल प्राधिकरण के जल क्रीड़ा केंद्र में 4 प्रशिक्षु महिला खिलाड़ियों ने सीनियरों द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न के चलते गुरुवार तड़के एक जहरीला फल खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि 3 अस्पताल में हैं। पुलिस ने बताया कि इन लड़कियों ने साई महिला हॉस्टल के भीतर दोपहर 3 बजे करीब जहरीला फल उथल लांगा खाया। लड़कियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ सीनियर उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। नाराज रिश्तेदारों ने कहा है कि मामले की जांच का तुरंत आदेश नहीं दिया गया तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग का घेराव करेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, बदले की राजनीति न करें नरेंद्र मोदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बदले की राजनीति नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे की याद दिलाते हुए गुरुवार को आग्रह किया कि उनके चुनाव क्षेत्र अमेठी में प्रस्तावित फूड पार्क को रद्द नहीं किया जाए। सरकार ने हालांकि किसी बदले की भावना से इनकार करते हुए आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेगी। राहुल गांधी ने शून्यकाल में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और परोक्ष रूप से मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेल से लदी ट्रेन में आग, खाली हुआ पूरा शहर। अमेरिका के उत्तरी डकोटा में हेस कारपोरेशन का कच्चा तेल लेकर जा रही एक रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद साथ ही उसमें आग लगने से समीप के काउंटी के हैंडल शहर को खाली करा दिया गया। दमकल विभाग और राज्य आपातकालीन सेवा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि शहर के 40 निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन 3 लाख गैलन कच्चा तेल जल गया और मीलों दूर से आकाश में काले धुएं का गुबार देखा गया। अमेरिका पर बड़े हमले की योजना बना रहा था ओसामा। मई 2011 में मारे जाने से कुछ माह पहले अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन अपना पूरा ध्यान अमेरिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमला बोलने पर केंद्रित कर रहा था। वह पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम रखते हुए अरब क्रांति में उभर कर आए जिहादी समूहों के साथ गठबंधन कर रहा था। यह जानकारी अमेरिकी सरकार द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों में दर्ज है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।